भाग रहे, एक्साइटमेंट है। जो भी लोग आज भी प्लान कर रहे कि क्या हम राइड पर जाए कि सेफ कर ले, तो उनके लिए ये है, यू हैव बीन ऑनलाइन फॉर 1 ईयर, डू यू विश टू लॉग ऑफ एंड गेट अ लाइफ। लोअर सीसी वाली बाइक फुल स्पीड पे फुल थ्रॉटल पे चलाने का मजा अलग है। कहानी में ट्विस्ट ये है, ज्यादा लग गया। ठीक है, पूछते नहीं सिंधु। यहाँ पे एक ये भी है क्या, बावड़ी में जाके पानी भर के ला। बावड़ी में, हाँ ये देखो, ये कल हम लोग यहाँ पे बहुत लेट आए और बहुत लेट सोए हम लोग 3:30 बजे। आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, कल हम लोग 3:30 बजे आए हैं यहाँ पर, तो मुझे हमेशा लाइटें चालू करके सोने की हैबिट है रूम्स में, तो कल लाइट चालू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बाहर की जो लाइट और आकाश में जो तारे थे और जो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब माहौल था, ऐसे पता है हम लोग सोए थे यहाँ पर एंड बिजली कड़क रही थी, वो सो ब्यूटीफुल ना, बहुत मस्त लगे। कल बारिश हो के गई है और आज जरा इधर आ जाना, आज हम लोग गोविंदा जैसे नहीं लग रहे, रेड जर्सी एंड येल्लो शूज। ये जर्सी जल्दी वेबसाइट पे अप हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे ही मैं राइडिंग को आती हूँ ना, मैं फ्लैट स्टमक हो जाती हूँ। कल क्या चले हैं सचिन, बहुत बहुत तवांग लटका कर चले हैं गाइस, वेट लिफ्टिंग करके चले हैं, और वो भी दिल्ली में हमें कहाँ T2 में उतरवा दिया था, उधर से हम लोग कम से कम 20-25 मिनट हम लोग चलते रह रहे थे, बस रुकना नहीं था, बस चलते जा रहे थे। यस यस यस, मस्त है। ये देखें, देखो वाइल्ड चाइल्ड, भूख लगी है, चाइल्ड के जैसा खाना खाएंगे अभी यहाँ पे। अरे यार सुंदर बूमरैंग है यार, मस्त है ना, लव दिस। यहाँ पर हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए थे, वी ट्राइड पुटिंग दिस ग्रे यहाँ पर, ये व्हाइट वाला, बट ये व्हाइट का फील मतलब, इसलिए वो ये लास्ट वीक में पहना था, तभी हम लोग फाइनल नहीं किया था ये वाला जर्सी, और इतने डीएम्स आए थे ना, दादा है नवीन आएगा, ए नवीन जर्सी, ये पैटर्न भी मस्त लगा। यस, मुझे ना ये वाला बहुत अच्छा लगा सचिन, मुझे पूछा कि जर्सी में तुझे क्या अच्छा लगा, तो वाइल्ड चाइल्ड तो था अच्छा, वो सचिन का ही थॉट था, और मुझे ये जो कलर डिफरेंस किया ना, ये ऐसे पूरा ब्यूटीफुल सचिन, गुड जॉब। पहनने के बाद मस्त लगता है, ब्लैक स्लीव और यहाँ पर ये जर्सी का क्रेडिट गोज़ टू यू बेब, थैंक यू। चलो खाना करें, खाना खाने चलते हैं, वाइल्ड चाइल्ड चलते अच्छा दिख रहा है मेरे पकड़ दांखे। ये वायरों का जंजाल, ये सब डेटा वेटा कॉपी हो चुका है। ये बेडरूम से यहाँ पे ये देखो, ये अच्छा लग रहा है, बड़ा लिविंग रूम रहता है ना, असच होते बाइकर्स सा है रूम ना, असच होते हम लोग और गंदा कर सकते हैं। We have that potential. और अभी पता है आप लोगों को, ये जितना आपको जंजाल दिख रही है ना, 5 मिनट नहीं लगता है हमें मतलब बैग भरने में, वो भी एकदम सिस्टमैटिक बैग। पर राइड की डेज पे तो अच्छा लगता है, सिर्फ ये पैकिंग घर पे जो होता है ना, वो वाला बहुत स्ट्रेस रहता है। अरे घर वाली पैकिंग मत करो, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अभी पता है फिर भी 2-4 चीज भूल गए हम लोग का, आई ड्रॉप्स है वो भूल गए, अभी भी भूल गए हैं मतलब लाइफ। वैसे भी यार ये स्पाइस जेट के वजह से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो दिक्कत दे दी है ना ये लोग ने, मैंने सचिन 1/2 घंटे में मैंने पैकिंग किया है, ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए तुझे। चलो चलो अभी भूख लगी है, आज का दिन बड़ा है बहुत। मेरा फेवरेट चीज मशरूम ऑमलेट, फर्स्ट राउंड ऑफ सूप, पोहे नहीं, पोहे नहीं है। यहाँ पे बहुत फनी फनी चीजें हैं, मस्त मस्त लिखा है। What is the, ये बेस्ट था, what is the height of craziness, getting a blank paper Xerox. But what is height of forgetfulness, seeing the mirror and trying to recollect when you saw him, her. What is height of stupidity, a person looking through a keyhole of a glass of. तू ही है। और सबसे बेस्ट मुझे ये वाला लगा है, वो never give up भी है। Never give up, देखो हाँ, इस ये गला पकड़ा है इसका, इसमें गला पकड़ा है। Just see, और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, of the 4 liquid stages of life। फिलहाल हम लोग ये स्टेज पे। हाँ, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दिया। कोल्ड ड्रिंक लास्ट एक साल से नहीं पिया, so yes, and yes ये भी बहुत सही है, please don't throw your cigarettes ends on the floor, the cockroaches are. बहुत सारा इधर मतलब 10 मिनट का ही हो जाएगा। एंड यस, जो भी लोग आज भी प्लान कर रहे कि क्या हम राइड पर जाए कि सेफ कर ले, राइड पर जाए कि सेफ कर ले, तो उनके लिए ये है, यू हैव बीन ऑनलाइन फॉर 1 ईयर, डू यू विश टू लॉग ऑफ एंड गेट अ लाइफ। ओह नाइस, यस और नो, ऐसे दो बटन दिए हुए हैं। यस यस,
भाग रहे, एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट। चलो 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 नीचे चलो। अच्छा लगे, बताओ किसका चश्मा अच्छा है? ऑफ कोर्स मेरा अच्छा है ज्यादा। कम ऑन ब्लू। हां ब्लू एक्चुअली मैच कर रहा है, बट वो मेरे साइज का भी है, मैं भी पहन सकता हूं। हम लोग सोच रहे थे कि एक रेड एंड व्हाइट, एक व्हाइट एंड ब्लू आएगी और एक। सचिन ने बोल दिया था व्हाइट और ब्लू तो एक मिलने ही वाली है। दोनों सेम, ठीक है, झगड़ा नहीं होगा ना कलर के लिए, कौन सा मेरा कौन सा। विक्की जी आए थे हम लोग को बाइक ड्रॉप करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कांट वेट टू राइड दीस ब्यूटीज मैन। नाइस ब्लू। मजी ट्रायल चल रहा है, कौन सी वाली खुद की रहेगी, है ना? सही चल रही है। A few moments later. आज सुबह से इतना ऊपर नीचे हो गया ना। तो अभी पहले बाइक के पास जाते हैं और फिर बताते कि हम लोग दोनों हेलमेट लेके कहाँ चल दिए। आइडली राइड हमें आज चालू करनी थी, लेकिन बाइक का हम लोग को बहुत लेट मिला है। और बाइक क्यों लेट मिला है वो आप लोगों को बताती हूँ मैं। बाइक हम लोग को बहुत लेट मिला है, हमें 12 बजे बाइक मिलने वाली थी, लेकिन बाइक हमें बहुत लेट मिली है बिकॉज जो नई बाइक हमें मिलने वाली थी उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह की काम नहीं हो रही थी। एंड दे वर लाइक कि 2-3 दिन रुक जाएं आप यहाँ पर, लेकिन हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है और हमें 20th को गया, टुडे इज 18th और हमें कल चालू करना पड़ेगा लाइट राइड सो दैट हम लोग मनाली तक पहुंच जाए। और 19-20 हम मनाली में रहे हमारे 10th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। तो हम लोग 2-3 दिन रुक भी जाते, लेकिन फिर वो हो जाता ना कि यार पूरी प्लान के ऊपर नीचे हो जाती तो मज़ा नहीं आता। तो रिटर्न आने के बाद हम लोग की जो बाइक है, जो नई वाली बाइक है, जो अपग्रेडेड बाइक है, उसका हम लोग आप लोग को पूरा डिटेल्स बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अपनी 4V जिंदाबाद, लेट्स गो। अभी हम लोग जा रहे हैं बनी के यहाँ पर, क्योंकि राइस मोटो का जो मेन ऑफिस है वो है मुंबई में, और मुंबई से हम टायर्स ला नहीं सकते थे एयरपोर्ट से फ्लाइट से, तो इसके वजह से मतलब बहुत ज़्यादा सामान हो जाती है हमारे पास। तो राइस मोटो ने डायरेक्टली दिल्ली में टायर्स शिप किया है बनी के घर पे, हम लोग ने करवाया है। तो अभी हम लोग बनी के पास जाएंगे। अगर बनी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हम लोग बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं। हमारी जो फर्स्ट एक्सपल्स की राइड थी वो हम लोग ने बनी के साथ ही की करी हुई थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू पिक द टायर्स फ्रॉम बनी और हम लोग टायर फिट करेंगे कोई एक एक्सपल्स पे, मतलब एक एक्सपल्स पे अपनी स्टॉक टायर्स रहेगी और दूसरे एक्सपल्स पे अपनी राइस मोटो की टायर्स रहेगी। तो इस दोनों में से एक एक्सपल्स पे राइस मोटो की टायर्स लगेगी, जो ऑन एंड ऑफ रोड दोनों है, दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा करती है कैसे करती है वो हमें आपको पूरा हम आपको बताएंगे। एक बार हमारी जानस्कार राइड खत्म हो जाएंगे तो हम आपको रिव्यू देंगे कि वो टायर हमें कैसी ट्रीट करी। एंड ऑल्सो विल गिव यू द कंपैरिजन कि अपनी जो स्टॉक टायर्स है एक्सपल्स में और अपनी जो राइस मोटो वाली एक्सपल्स है, दोनों में क्या डिफरेंस हमें फील हुआ और कैसे हमने मतलब कैसे परफॉर्म किया वो जानस्कार जैसे ट्रेल्स में, वो कैसे परफॉर्म किया, सब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल वी आर टू लेट, 1.5 घंटा लगेगा अभी क्योंकि बाइक हमें बहुत लेट मिली। हमारा पूरा प्लान गुड़गांव और जाना है पश्चिम बिहार। यस, और हम लोग की पूरी प्लान ये हो गई है, लेकिन अभी जाना पड़ेगा। दोनों में से कौन सी बाइक मेरी कौन सी तेरी? कलर के मामले में तो पत्थर है दोस्त, कलर के मामले में तो टेंशन नहीं है। हाँ, बता। कुछ नहीं, कोई भी जो भी ठीक है ये ले लेते हैं। ठीक है समझ ले, 8160 तेरा है, ठीक है 5182 मेरा है, 5182 चला है ना तो देख लेना, समझ लगी का है। सलाम आता। अरे मैं इधर गिरती थी रे मस्त, थैंक्स मेरे को बचाने के लिए। नहीं सच्ची में नहीं पता, नहीं धप्पा धूप हो जाते तो। चलो गणपति बप्पा मोरिया। चलो दो लाइन्स है इसमें पेट्रोल, उसका शाम को देखेंगे। अभी फिलहाल स्लाइड मार दूंगा। हाँ डबल सीट है तो आराम से ले रहा हूँ। नहीं तो पता चला ज्यादा स्किड हो गया तू लेफ्ट में राइट। अरे
हाँ चलो। दिल्ली गुड़गांव में इतना गर्मी लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे पिछले दो दिन से बारिश हो रही थी। आज ड्राई है और मज़ा आ रहा है। लोअर सीसी वाली बाइक फुल स्पीड पे फुल थ्रॉटल पे चलाने का मज़ा अलग है। हम लोग का बड़ा बाइक उसको हाफ थ्रॉटल में मतलब फुल कैपेसिटी पे चलाते नहीं रहे, तो ये आई ऑलवेज लाइक दिस। छोटी बाइक उसकी फुल कैपेसिटी जितना होता है उसमें ना वो जान निकल के चलाने में मज़ा ही अलग है। हम लोग के पास CBR 250 था ना, तो उसके साथ में मैं बड़े बड़े बाइकर के साथ में जाता था। देवर लाइक डेटोना ZX 14R हायाबुसा एंड आई यूज़ टू बी लाइक 1 किलोमीटर के रेंज में बोलते थे कौन सा बाइक चला रहा है तू। अभी तो ट्रैफिक नहीं है, आगे ट्रैफिक मिलने वाली है जैसे जैसे पश्चिम बिहार जाएंगे। ये गूगल बाबा को लगता है समझ में आता है कि एक्सपल्स लिए हैं तो अच्छे रास्ते से नहीं, ऐसे अंदर के ऑफ रोड वाले रास्ते से ही लेके जाएंगे। मज़ा आ रहा है। बट ये एक्चुअली किरण की टैंक बैग है, तो ये लिपस्टिक उसका है, मैप के बाजू में। और 24 किलोमीटर्स किरण का हालत ख़राब एज अ पिलियन। सबसे बेस्ट बात क्या लग रहा ना, ये आजू बाजू में जो लोग भी देख रहे हैं ना कोई बात नहीं कर रहे, नहीं तो हम लोग हमारी बाइक्स वगैरह कितने का है, कहाँ से आए हो, माइलेज कितना। और सबसे बेस्ट चीज़ है इसका HR नंबर प्लेट है, तो इन लोग को लग रहा आपने इधर की है। MH का गाड़ी देख को, अरे MH का गाड़ी इतना दूर से आए हो, थकते नहीं हो क्या? दो दिन से यहाँ पे आके हमारे लिए वेट कर रहे थे। वाओ क्या मस्त लग रहा है ना शूज। तेरे पे ना वाइल्ड चाइल्ड वो टायर लेकर आया ना, तो ये वाइल्ड चाइल्ड जो तेरी जर्सी पे दिख रहा है ना एकदम परफेक्ट लग रहा है ना, एकदम ऐसे वाइल्ड जैसा। वाओ क्या व्हाट अ पैटर्न यार, ये रेयर वाला है। मुझे येलो बहुत ही अच्छा लगता है, ये ब्रांडिंग पे भी अच्छा काम किया। देखो यहाँ पे ऐसा ब्रेक्स है यहाँ पे भी। तेरे शूज से समझता है कि तेरे को येलो पसंद है, तेरे बाइक से पता चलता है GS 1250 से कि तेरे को पसंद है येलो। से कुछ अलग कनेक्शन है। नाइस। वाओ लुकिंग फॉरवर्ड टू राइड ऑन दीज राइस टायर्स। उड़ाना मत। सब कौन सा मॉडल है क्या है ना सब आराम से बताएंगे, अभी एक्साइटमेंट है। अंधेरा होने से पहले ये टायर्स को फिट करा लेंगे। बन्नी से मिलने वाले थे हम लोग, लेकिन शायद डिनर पे मिलेंगे, अभी वो काम पे है। हम लोग भी काम पे जाते हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। ही विल बी बैक इन एन आवर टाइम, तो वो टाइम तब तक अपना ये इंस्टॉलेशन ही चलता रहेगा। वी विल कीप यू अपडेटेड। चलो अरे यार जरा जल्दी। 15 मिनट में होटल पहुंचेंगे। इट्स बीन अ हेक्टिक डे। टायर्स मस्त दोनों फिट हो गए हैं एंड इनिशियल इंप्रेशन इज़ क्वाइट गुड। मुझे अभी हवा वापस चेक करना है, बिकॉज जहाँ पे टायर फिटिंग किया है उन लोग का हवा ऊपर नीचे रहता ही है। तो रोड पे तो नॉइजी वगैरह नहीं लगा है बटन टायर होने के बावजूद, और स्पीड भी अच्छा कर पा रहे। अभी आइडियली हम लोग एकदम पास में है हमारे लेमन ट्री के इधर, बट और 10 मिनट लगेगा। आगे 4 किलोमीटर जाना है, यू टर्न मार के इधर आना है। ये जो पैच है ना दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक का, भयंकर ठंडी बियर और एकदम पॉश वाइन शॉप्स वाले हैं। फाइनली आफ्टर 5-6 मिनट चलो खोलो भैया, उधर ही लगा तो वो बाइक के साथ में। सचिन अपना बालकलावा भूल गया तो वो लेने को गया है। कहानी में वैसे एक बहुत मस्त वाली ट्विस्ट है, वो क्या है वो आपको बताएंगे हम। फिलहाल चलते हैं लड़स तो गोस। कहाँ गिरा था बालकलावा, कहाँ गिरा था? सेम जर्सी से आपको लग रहा होगा कि सेम दिन की कहानी है। ना, ये है 19th May 2023 की कहानी। और वैसे भी आप लोग की जो विश है वो पूरी करने ही जा रहे हैं। आई वॉज गोइंग थ्रू योर कॉमेंट्स और ये देखो, ऑल द बेस्ट, वॉज होपिंग वन ऑफ यू कुड बी राइडिंग द रैली प्रो, वुड हैव मेड फॉर अ ग्रेट कंपेरिजन। तो योर विश इज आर कमांड गाइज, वी आर ऑन इट। बताते हैं ये सचिन ना डबल सीट पे सो मार रहे हैं एक्सपल्स पे, ये सही बात हो रही है। Damn unstable man na Sachin, come on, obviously na wind blast to lagegi na upar windshield ka hai, kabhi kabhi pillion bhi travel karna chahiye, majji aata hai। A few moments later
यहाँ पर हम लोग पेट्रोल भराने को आए थे सुबह से, आज मीटिंग ब्रांड मीटिंग, तो वहाँ पर काम खत्म करने के बाद कहानी में ट्विस्ट ये है कि सचिन इज गोइंग टू राइड रैली एडिशन ऑफ एक्सल्स 200 ओपी। कैसा लग रहा है? ते मेरे को लगता है तेरे हाइट के लिए बेस्ट है, बेस्ट। फिर भी क्या, वाओ मजा आने वाला है। सीट अगर ऊपर रहेगी तो थोड़ा सा है। तो हम लोग आपको ये नॉर्मल सीट जो है इसका कंपैरिजन और अपनी रैली सीट वाली जो कंपैरिजन है वो अच्छे से बता देंगे। ऑल्सो गोप्रो ने धोखा नहीं दिया है, हमने गोप्रो को धोखा दिया है। ये देखो मेमोरी कार्ड ही ले डाला जाते वक्त, जो मेमोरी कार्ड था हम लोग के पास वो मेमोरी फुल हो गई थी, तो दूसरी मेमोरी कार्ड डालना था हमें, वो डाला ही नहीं, तो ठीक है चलो अभी बुक्स पढ़ने हैं। अभी मुझे बुक्स अट्रैक्ट करते हैं। 11 बजने आए हैं, एक एक गेम टेबल टेनिस का खेलेंगे। yes. उसमें इसको जिताऊंगा नहीं हराऊंगा। उसको हराऊंगा। कल हम लोग का वेडिंग एनिवर्सरी है, बेस्ट चीज करने वाले कल, और टेनिस खेलने नहीं वाले, टेबल टेनिस खेलने वाले। चलो बाइक लगाना है, कल जाना है, कितना पता है।